नमस्कार, मैं विक्रम सिंह। BSTE वाले स्टूडेंट्स ने मुझसे काफ़ी कॉल भी किए और काफ़ी कमेंट्स भी किए हैं कि सर BSTE के लिए क्लास लीजिए। और कल मैंने पूछा भी था स्टूडेंट से कि बेटा कौन कौन सी क्लासेस का आपको चाहिए, किस टॉपिक पे आपको वीडियोस चाहिए। तो काफ़ी डिमांड आ रही है BSTE के लिए, और कुछ बच्चों ने ये भी कहा है कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कीजिए। तो मैं आज ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से कुछ वीडियोस देने वाला हूं और दे रहा हूं, और इसमें हम ध्यान रखेंगे कि अभी जो है फर्स्ट यूनिट के पार्ट को स्टार्ट करेंगे, फिर उसके बाद सेकंड थर्ड इस तरह से चलेगा। तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के पार्ट से स्टार्ट कर रहे हैं, और जो भी आपको तकलीफ़ हो रहा हो, जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से, आप बातें कर सकते हैं। सबसे पहली बात मैं बताऊं कि BSTE जो फर्स्ट ईयर के क्लासेस है या उनके लिए मैं क्या करने वाला हूं वो बता देता हूं। मूल रूप से मैं जो है कुछ चैप्टर में डिटेल्स में जाऊंगा। अगर आपको डिटेल की मांग होगी तो मैं एक डिटेल क्लासेस आपको दे के दिखा रहा हूँ कि अगर इस तरह से क्लास आपको चाहिए तो आप मुझे बताएंगे हाँ या ना। और दूसरी बात ये होगी कि इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस जो एग्ज़ाम्स में आ चुके हैं या आते हैं अक्सर BSTE में, उन क्वेश्चंस को आपको मैं दिखा दूंगा कि इस चैप्टर से कौन कौन से आते हैं। तो फर्स्ट टाइम आज तो नहीं दिखाऊंगा इस टॉपिक से, इस चैप्टर से, तो आपको बताऊंगा कि किस किस तरह के क्वेश्चन आते हैं और वो इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस क्या हैं। तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन क्या है वो मैं आपको बता दूंगा। और साथ में यहाँ पर देखें, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से स्टार्ट कर रहे हैं। इसका फर्स्ट यूनिट है, इसको हम दो पार्ट में बांट सकते हैं। एक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसमें हम बेसिस ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, जिसको कह सकते हैं कार्बनिक रसायन का आधार, हम इनको समझ लें। फिर उसके बाद है मैकेनिज्म ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस, यानी कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, यानी कि मैकेनिज्म को समझाने के लिए क्लासेस होगा। तो ये दो पार्ट में है, तो फर्स्ट पार्ट को पहले कवर कर लेते हैं, फिर उसके बाद सेकेंड पार्ट में जाएंगे। तो फर्स्ट पार्ट में आपको क्या क्या देखने को मिलेगा उसके बारे में बातचीत करेंगे। अब मैं फर्स्ट पार्ट के बारे में बताऊंगा, और इसमें हमने जो है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से रिलेटेड हमने क्या क्या आपने पढ़े हैं या मैंने क्या बता दिए हैं आपको, मैं थोड़ी सी जानकारी देना चाहूँगा। इस बात को अपने दिमाग में नोट रखें, आप समझें कि इससे रिलेटेड जो है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को समझने से संबंधित जो बातें हैं वो क्लास 11th में आपको कराया गया है, चैप्टर नंबर 12 में। अगर आप चाहते हैं कि इस टॉपिक को बहुत ज़्यादा डिटेल में बहुत अच्छे से समझना चाहते हैं तो अभी तो पढ़ाने वाला हूँ, जो कि इसी तरह से होगा, स्क्रीन शेयर के फॉर्म में होगा, जैसे कि मैं अभी बता रहा हूँ पेन टैब में कुछ स्लाइड्स दिखाते हुए आपको पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर आप चाहते हैं बोर्ड में समझना तो आपको ये वाली क्लास कर लेने हैं। अब आप सोच रहे होंगे सर बोर्ड में क्यों नहीं पढ़ा रहे हो, इसका रीज़न बताता हूँ। जैसे मुझे इतना लिखने में मुझे टाइम लग जाएगा, वो बच जाएगा, और अगर आपको ये सब लिखना हो तो आप स्क्रीनशॉट लेकर के भी इसे आप नोट कर सकते हैं, या फिर थोड़ी देर के लिए वीडियो पॉज करके भी नोट कर सकते हैं। लेकिन इससे क्या होता है कि वीडियो फास्ट हो जाएगा, टॉपिक हम ज़्यादा से ज़्यादा कवर कर पाएंगे, और इसी तरह से हमको पढ़ना है BSTE वाले स्टूडेंट्स के लिए। और वैसे भी जिस चैनल में मैं इस टॉपिक को ले रहा हूँ, स्क्रीन शेयर वाला ही ये चैनल है, तो इस चैनल में विक्रम हैब केमिस्ट्री, यानी कि विक्रम सिंह के चैनल में इसे नहीं लिया जा रहा है, जबकि इसको लिया जा रहा है प्राइम केमिस्ट्री नोट्स में। तो प्राइम केमिस्ट्री नोट्स का यही एक सिस्टम रखेंगे हम, ताकि यहाँ पर जो पढ़ने वाले बच्चे हैं उनको कुछ नोट्स भी अवेलेबल हो जाए। तो चलिए हम आगे चलते हैं। इस चैप्टर में GOC के अंदर हम लोग क्या क्या पढ़ने वाले हैं BSTE में, फर्स्ट है हाइब्रिडाइजेशन, यानी कि संकरण, जिसकी आपने डिटेल्स पहले भी पढ़ चुके हैं, और आज इसी के बारे में बातचीत करेंगे। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स में कौन कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, फिर शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल का आकृति क्या होगी, इन्फ्लुएंस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन ऑन बॉन्ड प्रॉपर्टीज, बॉन्ड प्रॉपर्टीज के बारे में हाइब्रिडाइजेशन से रिलेटेड बातें करेंगे। फिर देखेंगे हम इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट, यानी इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन, इलेक्ट्रॉनिक विस्थापन के लिए कुछ इफेक्ट है, इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट इफेक्ट्स है, वो है इंडक्टिव इफेक्ट, जिसको प्रेरणिक प्रभाव कहते हैं, इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट, इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव हिंदी में भी यही कहा जाता है, रेजोनेंस इफेक्ट, या इसको मेसोमेरिक इफेक्ट कहते हैं, तो ये हो जाएगा जिसको अनुनाद प्रभाव कहा जाता है, और साथ में अनुनाद भी पढ़ने वाले हैं। इसके बाद हाइपर कंजुगेशन और इसके एप्लीकेशंस पढ़ेंगे। फिर आता है डाइपोल मोमेंट, यानी द्विध्रुव आघूर्ण पढ़ने वाले हैं, इलेक्ट्रोफाइल्स एंड न्यूक्लियोफाइल्स, यानी
इलेक्ट्रोफिलिक अभिकर्मक और न्यूक्लियोफिलिक अभिकर्मक, जिसको नाभिक स्नेही अभिकर्मक कहा जाता है, इलेक्ट्रॉन स्नेही अभिकर्मक और नाभिक स्नेही अभिकर्मक, ये हम यहाँ पे पढ़ने वाले हैं। न्यूक्लियोफिलिसिटी एंड बेसिसिटी, इनके बारे में हम जानकारी लेंगे यहाँ पे। और होमोलाइटिक फ्यूजन और हेट्रोलाइटिक फ्यूजन, जिसको कहा जाता है होमोलाइटिक क्लीवेज एंड हेट्रोलाइटिक क्लीवेज, इनके बारे में हम यहाँ पर पढ़ाई करेंगे। फिर आगे कुछ और बातें हैं उनको भी बता देता हूँ। जनरेशन शेप, जनरेशन शेप एंड रिलेटिव स्टेबिलिटी ऑफ कार्बन्स, कार्बोकैटायन, कार्बेनायंस, फ्री रेडिकल्स, कार्बिन्स, नाइट्रेंस, इनके बारे में पढ़ेंगे कुछ हम यहाँ पर, जिसको कहा जाता है इंटरमीडिएट्स। इंटरमीडिएट का शेप, इंटरमीडिएट्स ये सब होते हैं, इनका शेप जिसको जिसके बारे में हम जानकारी लेने वाले हैं, क्या क्या इसके स्टेबिलिटी के बारे में जानकारी लेंगे, ये होता क्या है इसके बारे में जानकारी लेंगे, इसका शेप क्या होता है उनके बारे में जानकारी लेंगे। फिर अगला है इंट्रोडक्शन टू टाइप ऑफ ऑर्गेनिक रिएक्शंस। हम ऑर्गेनिक रिएक्शन जैसे कि एडिशन रिएक्शन है, सप्लीमेशन एलिमिनेशन रिएक्शन है, सब्स्टिट्यूशनल रिएक्शन है, इन रिएक्शंस के बारे में हम स्पेशली जानकारी लेंगे और इनके मैकेनिज्म के बारे में बातचीत करेंगे। तो यहाँ पर हम इन बातों को पढ़ने वाले हैं आगे जा करके यूनिट नंबर 1 में, और साथ में हम देखेंगे अब हाइब्रिडाइजेशन। सारे स्टूडेंट्स जो मेरे जो पहले से ज्वाइंट है और जो नहीं है उनको अब बताएंगे, और जो पहले से मेरे क्लास में जुड़े हुए हैं उन सबको पता है कि हाइब्रिडाइजेशंस क्या होते हैं। हाइब्रिडाइजेशंस यानी संकरण, किसी परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, ये बातें ध्यान रखेंगे, कोई परमाणु है, कोई एटम है, उसके बाहरी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में संयोग कर उतनी ही संख्या में नए समान ऊर्जा, समान आकार तथा समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस घटना को संकरण तथा बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहा जाता है। यहां पर कुछ बातों पर ध्यान देना है आपको। पहली बात, किसी परमाणु के संयोजी कोश, यानी कि परमाणु का कोई एटम है, उसके सभी एनर्जी लेवल, ये मान लेते हैं एनर्जी लेवल है इस तरह से, तो ओनली कौन सा, मैं इसको ठीक से लिख दूं, ये एनर्जी लेवल है, तो उसके लास्ट सेल को कहते हैं वैलेंस सेल, यानी कि संयोजी कोश। इसके जो जो ऑर्बिटल्स होते हैं वो आपस में मिलकर के, इसलिए बोला गया लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक, संयोग करते हैं, आपस में मिलते हैं। ऑर्बिटल्स में क्या होते हैं, आप जो सबशेल जानते हैं एस पी डी एफ, इसमें ऑर्बिटल जानते हैं एस होता है एक ऑर्बिटल वाला, पी में 3 ऑर्बिटल होते हैं, डी में 5 ऑर्बिटल होते हैं इस तरह से, और एफ में 7 ऑर्बिटल होते हैं, ये आप जानते हैं। तो ये ऑर्बिटल्स आपस में मिक्स होते हैं, जैसे ये दोनों मिक्स हो गए और दो नए ऑर्बिटल बनाएंगे और दोनों की एनर्जी बराबर हो जाएगी, यानी कि साथ में लिख सकते हैं, और ये भी sp ऑर्बिटल बन गया, ये भी sp ऑर्बिटल बन गया, हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp। इसी बातों को कहा जा रहा है कि लगभग समान ऊर्जा वाले ऑर्बिटल, इन दोनों की एनर्जी बराबर नहीं है, ये मान लीजिए थर्ड एनर्जी लेवल का है 3s है और ये 3p है, तो यहाँ पर 3p 3 टाइप हैं, 3s 3px 3py 3pz, और ये तीनों की एनर्जी बराबर है, परंतु 3s और 3p की ऊर्जा में थोड़ा अंतर है, इसलिए लगभग समान ऊर्जा कहा गया है। तो मैंने यहाँ पर कहा किसी परमाणु के संयोजी कोश के लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस में मिल जाते हैं और उतनी ही संख्या में नए समान ऊर्जा वाले, समान आकार वाले और समान आकृति वाले नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। इस घटना को संकरण कहते हैं और बनने वाले नए कक्षकों को संकरित कक्षक कहते हैं। तो इनके डिटेल्स पढ़ने वाले हैं और फुल डिटेल में आपको 11th और 12th में पढ़ाया भी गया है, तो अगर कुछ ऐसी रिक्वायरमेंट हो तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। 11th के लिए मैंने क्लासेस दिए हैं, केमिकल बॉन्डिंग के वीडियोस आप अच्छे से कर लीजिए, आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, मैं आपको गारंटी देता हूँ। तो चलें हम इनको बीएससी के लेवल पे बात करते हैं और आगे बढ़ते जाते हैं। फर्स्ट, संकरण, संकरण के नियम क्या होंगे। अब संकरण
जो है हमने समझा कि लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक आपस मिल जाते हैं और उतनी संख्या में नए कक्षकों का निर्माण करते हैं। अब देखने वाली बात यह है कि संकरण जो है वो उसके नियम क्या है, क्या क्या वो उससे हम जान सकते हैं, कैसे वो होता है, तो इनके बारे में देखें। फर्स्ट बात तो ये कहता है कि संकरण में लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं। समान ऊर्जा वाले कक्षक नहीं भाग लेते हैं, लगभग समान ऊर्जा वाले कक्षक भाग लेते हैं। दूसरी बात होती है कि जितने कक्षक भाग लेते हैं उतने ही नए कक्षक बनते हैं और वो नए संकरित कक्षक बनते हैं। यस, जितने कक्षक भाग लेंगे, जैसे एक एस और एक पी भाग लेगा तो हो गया दो कक्षक भाग लिया, तो दो नए संकरित कक्षक बनेंगे और उस संकरित कक्षक का नाम एसपी होगा, दोनों का नाम एसपी होगा, पहला संकरित कक्षक एसपी, दूसरा संकरित कक्षक एसपी होगा, जैसे कि आप जानते हैं। तीसरी बात होगी संकरित कक्षकों का आकार, आकृति और ऊर्जा तीनों बराबर होता है। अगर तीन संकरित कक्षक बने हुए हैं, तीन एक एस दो पी भाग लिया तो तीन कक्षकों का भाग लिया तो तीन संकरित कक्षक बनेंगे, तीनों का नाम sp2 होगा और तीनों की ऊर्जा बराबर होगी, आकार बराबर होगी और आकृति भी बराबर होगी। आकार यानी कि साइज, आकृति मतलब शेप और ऊर्जा आप तो जानते हैं एनर्जी। फिर बातें आती है संकरित कक्षक आपस में अधिकतम दूरी वाले कोण बनाते हैं, यानी कि यह है संकरित कक्षक, अगर हमारे पास इस पॉइंट से जुड़ा हुआ तीन ऑर्बिटल है तो ये एक दूसरे के नज़दीक नहीं आएगा, एक दूसरे से बराबर फैल जाएंगे और इस तरह से इनके बीच में 120 डिग्री का कोण होगा। तो इस तरह से ये अधिकतम दूरी पर चले जाते हैं और इसका कोण अधिकतम होगा, जितने ज़्यादा से ज़्यादा हो सकता है वो होने की कोशिश होती है। फिर आता है संकरण में कक्षक भाग लेते हैं ना कि इलेक्ट्रॉन। याद रखना हाइब्रिडाइजेशन और किसका होता है, ऑर्बिटल्स का होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं। इसलिए संकरण होते समय ये बात ध्यान रखना कि एक ही परमाणु में, जैसे कार्बन में तीन अलग अलग स्थितियों में इसमें हाइब्रिडाइजेशन हो सकता है, या तो sp2 होगा, sp हो सकता है किसी मॉलिक्यूल में, कार्बन के किसी मॉलिक्यूल में, कार्बन के किसी मॉलिक्यूल में sp2 भी हो सकता है और कार्बन के किसी मॉलिक्यूल में sp3 हो सकता है। ये आप देखें तो क्या पता चला कि कार्बन, अब यहाँ पर किसमें sp2 है, किसमें sp है और किसमें sp3 है, वो एग्जांपल के थ्रू मैं आपको समझाने वाला हूँ। जैसा कि आप जानते हैं इस बात को कि अलग अलग कंपाउंड पर डिपेंड करता है, तो ये कार्बन पर डिपेंड नहीं करा, इसमें इलेक्ट्रॉन उपस्थित है इस पर डिपेंड नहीं करा, उसके रासायनिक वातावरण पर निर्भर करता है। तो संकरण जो होता है वो में कक्षक भाग लेते हैं, यानी कि ऑर्बिटल भाग लेते हैं, न कि इलेक्ट्रॉन। अब देखेंगे छठवां, संकरण एक काल्पनिक अवधारणा है। मतलब यह होता है कि साइंस के अनुसार एक काल्पनिक अवधारणा है जिसके आधार पर किसी भी मॉलिक्यूल या अणु की संरचना ज्ञात की जाती है। अब किसी भी का मतलब यहां पर हुआ ससंयोजी और उपससंयोजी, यानी कोवेलेंट कंपाउंड और कोऑर्डिनेट कंपाउंड की वास्तविक संरचना का निर्धारण किया जा सकता है या किया जाता है। तो यह एक काल्पनिक अवधारणा है। फिर देखेंगे संकरित कक्षकों का गुण। संकरित कक्षकों का गुण जो होता है भाग लेने वाले कक्षकों पर निर्भर करता है। अब इसी में थोड़ा सा मैं आपको कुछ बातें बता दूं। यहां पर ध्यान देंगे कि जैसे मान लेते हैं एक एस और दो पी कक्षक भाग ले रहे हैं तो होगा क्या, sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगा। अब इसमें इसके लक्षण की बात करते हैं, तो यहाँ पर एक s और दो p भाग लिया, तो यहाँ पर s ऑर्बिटल का परसेंटेज लक्षण इसमें कितना होगा, इसमें एक ही s है तो ये 1 × 100, टोटल ऑर्बिटल कितना भाग लिया, 3, तो हो जाएगा 3, तो हम यहाँ पर लिखेंगे 33.33%। लेकिन यहाँ पर p ऑर्बिटल का लक्षण कितना होगा, उसका गुण कितना होगा sp2 में, अब यहाँ पर भी कह सकते हो माइनस कर सकते हो 100 माइनस 33.33, या फिर यहाँ लिख सकते हो 2 × 100, क्योंकि 2 पी ऑर्बिटल भाग लिया, और बाय 3, यानी कि यहाँ पर 66.66% होगा। तो भाग जो भी संकरित कक्षक होते हैं उनमें वो जिनसे बना होता है उनके लक्षण उतने परसेंटेज होता है। हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन। कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं तो यहाँ पर कार्बन में हाइब्रिडाइजेशन देखेंगे। इसमें और भी एलिमेंट्स आते हैं, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन,
नाइट्रोजन, कहीं कहीं पे फास्फोरस भी होगा, कहीं कहीं पे सल्फर भी होगा, तो इनमें हाइब्रिडाइजेशन की बात होती है। तो सबसे पहले कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन की बात करते हैं और दूसरे एलिमेंट्स में भी बात करेंगे। हाइड्रोजन में कोई भी हाइब्रिडाइजेशन नहीं होगा, क्योंकि हाइब्रिडाइजेशन के लिए सबसे पहले ज़रूरी है कि कम से कम उसमें दो ऑर्बिटल हो जो हाइब्रिडाइजेशन कर सके, और सल्फर में जो है सॉरी हाइड्रोजन में जो है अंतिम कोश में केवल एक 1s ऑर्बिटल ही होता है, और पहला ऊर्जा स्तर ही उसका अंतिम ऊर्जा स्तर भी होता है, यानी संयोजी कोश होता है, तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन नहीं हो सकता है। अब देखेंगे ट्रिक, एक छोटा सा ट्रिक देखेंगे कार्बन में हम हाइब्रिडाइजेशन को कैसे कैलकुलेट करें या इन एलिमेंट्स में कैसे कैलकुलेट करें। ये स्ट्रक्चरल फॉर्मूला के बेस पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले देखें, यहाँ पर हमने एक फॉर्मूला लिखा है, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स प्लस नंबर ऑफ LP। इस बेस पर हम हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट कर सकते हैं। तो इसके लिए क्या कर सकते हैं, इसके लिए जैसे मैं यहाँ पर एक एग्जांपल लेके चलूँ, CH4 में कार्बन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है, तो मैं क्या करूँगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाऊँगा। फिर मैं बोलूँगा जिन बच्चों को स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बनाने नहीं आता है उनको 11th के क्लास से सहारे लेने पड़ेंगे, और मैंने प्री बेसिक केमिस्ट्री के नाम से जो वीडियो जो प्लेलिस्ट बनाए हैं उस प्लेलिस्ट में जा करके आप उनके सारे वीडियोस देख लीजिए, ताकि आपको BSc में किसी तरह की कोई तकलीफ ना हो। प्री बेसिक केमिस्ट्री, ये एक प्लेलिस्ट है, इसमें लगभग 24 वीडियोस हैं, उनको आप लाइन से देखिए, एक एक चीज़ें आपको समझ में आने लग जाएगा। फिर कहीं भर रहे केमिस्ट्री में आपको हर चीज़ समझ में आने लगेगा। तो देखें CH4, CH4 में आप देखें सिंगल बॉन्ड है सभी। आपको एक बात बता दें कि बॉन्ड जो है दो टाइप का होता है, सिग्मा और पाई। किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में अगर सिंगल बॉन्ड है तो ये सिग्मा बॉन्ड होगा, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में अगर डबल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और एक पाई होगा, किन्हीं दो परमाणुओं के बीच में अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो एक सिग्मा और दोनों पाई होगा। चलिए, तो इस तरह से इसमें ये सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा 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 सिग्मा। अब देखो कार्बन पर, यहां पर अगर संकरण निकालना है तो क्या करेंगे, इस फॉर्मूले के बेस पर चलें, हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स कार्बन पर, 1 2 3 4, 4 सिग्मा बॉन्ड है, फिर लिखा हुआ है प्लस नंबर ऑफ LP, इसमें कोई भी इलेक्ट्रॉन पेयर नहीं है, LP नहीं है, तो ये जीरो हुआ, टोटल हुआ 4। यानी कि अब समझेंगे कि कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है। तो हाइब्रिडाइजेशन के टाइप की तरफ चलेंगे तो इस नंबर पे ध्यान दें, अगर दो ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहा हो तो SP हाइब्रिडाइजेशन, तीन कर रहा हो तो SP2, और चार ऑर्बिटल पार्टिसिपेट कर रहे हो तो SP3 हाइब्रिडाइजेशन होते हैं। तो इस जगह पर क्या मिल रहा है आपको, 4, इसका मतलब है SP3 हाइब्रिडाइजेशन। इस तरह से हमने देखा इसमें कार्बन पर, यानी CH4 के कार्बन पर SP3 हाइब्रिडाइजेशन है। अब चलते हैं थोड़ा सा और आगे, फिर बातचीत आगे करेंगे। अब देखें दूसरा एग्जांपल ले रहा हूं मैं, C2H6 में, C2H6 में क्या होगा, इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला बना लीजिए। सबसे पहला काम तो यही करिए, C C, अब इसमें तीनों जगहों पर इस तरह से H आएगा, इस तरह से। और इसमें आप देखिए एक चीज कि यहां पर सिग्मा बॉन्ड है, यहां पर, यहां पर, तो मैं लिख देता हूं सिग्मा 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 सिग्मा, ये सभी सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड में सिग्मा। तो आप इस कार्बन में देखोगे कि कितना सिग्मा बॉन्ड है, क्योंकि यहीं पर हाइब्रिडाइजेशन आपको कैलकुलेट करना है। तो इसमें हाइब्रिडाइजेशन कितना होगा वो देखें, तो हाइब्रिडाइजेशन इज इक्वल टू जिस एटम में आपको हाइब्रिडाइजेशन कैलकुलेट करना है उसके लिए कितना नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड, तो इसमें कितना है, 4, तो आपने लिखा 4 प्लस, यहां पर LP बिल्कुल नहीं है तो ये कितना हो गया, 0, तो इस तरह से 4 यानी SP3 हाइब्रिडाइजेशन। इसी तरह से और भी चीजों में देख ला दिखा देता हूं मैं, C2H6
फोर में, सी टू एच फोर में कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा वो देखें, तो इसका स्ट्रक्चरल फॉर्मूला कुछ ऐसा बनेगा, एच एच इस तरह से। तो यहाँ पर सिग्मा है, सिग्मा है, सिग्मा है, और ये पाई है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है। इसमें कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन पता लगाने के लिए इस कार्बन पर तीन सिग्मा बॉन्ड है, तो मैंने लिखा थ्री प्लस, इसमें एक भी एलपी नहीं है, तो हो गया जीरो, तो हो गया टोटल थ्री, यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन। अब आपके पास दिमाग में आ रहा होगा कि सर एलपी वाले का क्या करूं, तो मैं इसका कुछ एग्जांपल दे देता हूं मैं आपको। तो आपको यहां पर लिख के दिखाता हूं मैं आपको, यहीं पे बता देता हूं एग्जांपल। मान लेते मेरे पास है CH3OH, तब क्या करेंगे, सी पर ये तीन एच सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा है, स्ट्रक्चरल फॉर्मूला आप सबको बनाने आता है मैं ये मान के चल रहा हूं, जिनको नहीं आता उनके लिए मैं बोल रहा हूँ कि बेसिक क्लास, भाई बीएससी पढ़ रहे हैं तो बीएससी के लायक हमको हो करके आना है हमको, अगर नहीं हो पाया है तो कोई बात नहीं, हमने आपको पूरी वीडियो का रेंज दे दिया है 11th 12th का, तो वो आप देख लीजिए, उससे आपको क्लियर हो पता चल जाएगा। अब चलो यहाँ पर क्या कर रहे हैं, तो ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये सिग्मा है, ये भी सिग्मा है और ये भी सिग्मा है, तो कार्बन पे हाइब्रिडाइजेशन कौन सा होगा, तो फोर सिग्मा बॉन्ड प्लस LP0 इज इक्वल्स टू 4, यानी कि SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब ऑक्सीजन पर कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा, तो ऑक्सीजन में देखो दो सिग्मा है 2 प्लस यहां पर दो LP है, तो कितना हो जाएगा बोलिए 2, यानी कि 4, यानी यहां पर भी SP3 हाइब्रिडाइजेशन। अब इसी तरह से आपके दिमाग में आ रहा होगा कि सर इसमें क्या होगा, तो वो तो अभी देखे हैं आपने, 1 2 3 ये पाई 1 2, तो यहां पर आप क्या देख रहे हैं कि तीन सिग्मा एक पाई, तो तीन सिग्मा मतलब 3 + 0 यानी कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन, ठीक है, और सेकंड में भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन। तो यहां पर हमें गिनना है नंबर ऑफ सिग्मा बॉन्ड्स और गिनना है एलपी, ये एलपी है, ये जो है ना इसी को एलपी कहते हैं, लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ये कहां से आया, लेविस डॉट सिंबल से आया, ये लीजिए। तो हम इन बातों को समझते हैं तभी जाकर के हम बीएससी में हम बातों को अच्छे से समझ पाएंगे। फिलहाल अब देखें कार्बन में कितने टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है, कार्बन में तीन टाइप का हाइब्रिडाइजेशन होता है जो हमने देखा था, एसपी, एसपी2 और एसपी3। कार्बन की चारों वैलेंसी सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो एसपी हाइब्रिडाइजेशन, ये चारों वैलेंसी में से केवल, ये मैं उल्टा दे दिया हूं, थोड़ा ठीक कर देता हूं, इसमें चारों सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, तो sp3। इसमें एक डबल बॉन्ड है और दो जगहों पर इसे, ये देखो सिंगल बॉन्ड है, तो ये sp2, और यहां पर देखेंगे इसमें तीन बॉन्ड, यानी यहां पर ट्रिपल बॉन्ड है और एक सिंगल बॉन्ड है, तो उस कंडीशन में इसमें sp हाइब्रिडाइजेशन होगा। आगे डिटेल करेंगे हम, आगे चलते हैं। CH4 में हम हाइब्रिडाइजेशन को क्लियर समझ लेते हैं, आपके एग्जाम में थ्योरेटिकल क्वेश्चंस के सॉल्यूशन के लिए बहुत जरूरी है इस तरह से समझना। CH4 में हाइब्रिडाइजेशन, तो सबसे पहले थोड़ा ओवरलैपिंग को समझने के लिए हम यहां पर हाइड्रोजन के बारे में जाने। हाइड्रोजन का एटॉमिक नंबर होता है 1, इनका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s1 1s1, एक ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, और एस ऑर्बिटल हाफ फील्ड है, मतलब ये गोलाकार एक ऑर्बिटल को दर्शा रहा है, यानी हाइड्रोजन को ओवरलैपिंग करवाते समय हम एस ऑर्बिटल को लेंगे, ये गोलाकार ऑर्बिटल। ओवरलैपिंग समझने के लिए चैप्टर नंबर 4 11th की क्लास को देखें। फिलहाल हम जहां पे चल रहे हैं, हमने वीडियोस दे दिए हैं इसलिए ऐसा कह रहे हैं, अगर नहीं दिए होते तो ऐसा नहीं बोलते, आपको यहीं पर समझा देते सारी बातों को। चलो कार्बन के, कार्बन का एटॉमिक नंबर है 6, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन 1s2 2s2 2p2, वैलेंस शेल ऑर्बिटल्स ये दोनों है, तो 2s2 2p2, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन हमने इस तरह से शो किया है। s में दो इलेक्ट्रॉन और p में तीन ऑर्बिटल होते हैं, px py pz में एक एक इलेक्ट्रॉन बढ़ जाएगा। और इस तरह से देखें तो कार्बन की वैलेंसी 2 नजर आ रही, क्योंकि वैलेंसी यानी संयोजकता
अयुग्मित इलेक्ट्रॉनों से होती है, अर्धपूरित ऑर्बिटलों की संख्या से होती है। तो इसमें कार्बन का अगर ग्राउंड स्टेट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन देखते हैं तो हम ये देख रहे हैं कि इसकी वैलेंसी तो 2 है, पर कार्बन तो 4 वैलेंसी प्रदर्शित करती है हमेशा। इसका मतलब है कि एक इलेक्ट्रॉन एक्साइट हो जाएगा, उत्तेजित हो जाएगा। इन एक्साइटेड स्टेट यानी उत्तेजित अवस्था में एस का इलेक्ट्रॉन चला गया पी में, और इस तरह से 4 हाफ फिल्ड ऑर्बिटल मिल गए, अयुग्मित इलेक्ट्रॉन मिल गए। 4 अयुग्मित इलेक्ट्रॉन जो है और इस तरह से ये 4 बार क्या करेगा, शेयरिंग करेगा इलेक्ट्रॉन का। अगर ओवरलैपिंग की बात करें तो 4 हाफ फिल ऑर्बिटल है और वो ओवरलैपिंग करेगा। अब यहाँ पर ये चारों ऑर्बिटल एक एस और 3 ऑर्बिटल मिल करके, 3 पी ऑर्बिटल मिल करके हाइब्रिडाइजेशन करेगा sp3। हमने देखा था कि जितने ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन भाग लेते हैं उतने ही नए हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं। तो यहाँ पर संकरण हो रहा है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, एक एस और 3 पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहा है, और इस तरह से 4 ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग ले रहे हैं। इस तरह से 4 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल 4 बनेंगे, संकरित कक्षक 4 बनेंगे, 1, 2, 3 और 4, 4 डब्बे बन रहे हैं और चारों डब्बों में इलेक्ट्रॉन भर गया। और सारे डब्बों का नाम है जिसको आप ऑर्बिटल कह रहे हो, sp3 sp3 sp3। इस प्रकार से 4 sp3 ऑर्बिटल बने। संकरित ऑर्बिटल होता है, एक लोब छोटा होता है और दूसरा लोब बड़ा होता है। तो इसी प्रकार से यहां पर देखें 4 sp3 ऑर्बिटल बने हैं, ये एक हो गया, ये दूसरा, तीसरा और ये चौथा, और चारों जो है sp3 ऑर्बिटल्स हैं। इस तरह से, और ये त्रिविम में बराबर फैल गया है टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर बनाते हुए, और इनके बीच एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट। ठीक है, अब देखो ये सभी ऑर्बिटल हाफ फिल्ड है, एक एक इलेक्ट्रॉन है इनमें। इनमें ये हाइड्रोजन को मैं ब्लू कलर से दिखा रहा हूं, 4 हाइड्रोजन, एक हाइड्रोजन यहां पर ओवरलैपिंग करेगा अपने एस ऑर्बिटल के साथ, सिग्मा बॉन्ड हो गया ओवरलैपिंग से, दूसरा यहां पर सिग्मा बॉन्ड, एक यहां पर सिग्मा बॉन्ड और एक यहां पर जुड़ गया सिग्मा बॉन्ड से। ये जो दिख रहा है, जो ऑर्बिटल सभी दिखाई दे रही, वो क्या है, कार्बन है। तो कार्बन के साथ आपने देखा 1, 2, 3, 4 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है और चारों जगहों पर सिग्मा बॉन्ड है इस प्रकार से। तो हमने यहां पर देखा कि एक कार्बन से 4 हाइड्रोजन सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं, और यहां पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, सभी हाइड्रोजन कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो एंगल है 109 डिग्री 28 मिनट का हुआ, और इस तरह से हम इनके डिटेल्स भी लिख सकते हैं जो यहां पर हमने देखा है। इनके डिटेल्स मैंने छोटा सा थ्योरी बना दिए हैं ताकि आपको कभी लिखने की बारी आएगी तो आपको कोई तकलीफ ना हो, छोटा सा नोट्स मिल जाए आपको। तो आप देख रहे हो यहां पे CH4 के केंद्रीय परमाणु कार्बन पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन है, कार्बन के 4, जिसके कारण कार्बन पर 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं और चारों अर्धपूरित होते हैं। संकरित कक्षकों से हाइड्रोजन का 1s ऑर्बिटल जो अर्धपूरित होते हैं, हाइड्रोजन में अर्धपूरित ही रहता है ना, हाफ फिल्ड होता है, वो उनके साथ ओवरलैपिंग करते हैं, जैसा कि आपने यहां पर देखा। ये कार्बन का संकरित ऑर्बिटल, हाइड्रोजन का s ऑर्बिटल जो ये वाला है, इनके साथ ओवरलैपिंग कर गया। हाइड्रोजन में कितना अयुग्मित इलेक्ट्रॉन है, 1, तो मैं इसको इस तरह दिखा दूं, तो यहां पर ये इलेक्ट्रॉन क्या हुआ, शेयरिंग हो गया इस तरह से, और इस तरह से फुल फिल्ड हो गया। ओवरलैपिंग से ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, हाफ फिल्ड और इलेक्ट्रॉन जो होते हैं, वहाँ शेयरिंग कर लेती है, या फिर आधा आधा ऑर्बिटल होने की वजह से जब आपस में ओवरलैपिंग करता है तो वो पूर्ण पूरित कक्षक बन जाते हैं, इस तरह जुड़ जाते हैं। किस बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ जाते हैं। ठीक है, और यहाँ पर कार्बन हाइड्रोजन के बीच में जो बॉन्ड एंगल होता है 109 डिग्री 28 मिनट का होता है, जैसा कि यहाँ पर बताया गया है, यहां पर भी बना सकते हैं उसको। तो मैंने दोनों जगहों पर एक छोटा सा नोट्स दे दिए हैं, बात आपको समझ में आ गई होगी। अगर आप इसको चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो या नोट कर लो,
थोड़ी देर के लिए पॉज कर लीजिए। चलें, C2H6 में संकरण, C2H6 में कार्बन और कार्बन सिंगल बॉन्ड से जुड़े होंगे, तीन वैलेंसी इसकी बच गई, तीन वैलेंसी इसकी बच गई, इस पर तीन हाइड्रोजन और इस पर भी तीन हाइड्रोजन आ गया। आपने देखा था सिग्मा 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 सिग्मा, यानी कि 7 सिग्मा बॉन्ड है, पर हर एक कार्बन में 4 सिग्मा बॉन्ड है और 4 होने की वजह से इसमें भी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। कार्बन के संयोजी कोश में 2s2 और 2p2 का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन है, एक्साइट हुआ तो 2s1 हो गया, ये 2p3 हो गया, हाइब्रिडाइजेशन करेगा, चारों ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन कर रही है, 1s और 3p। इस तरह से sp3 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, 4 sp3 संकरित कक्षक बने, चारों अर्धपूरित हैं, हाफ फिल्ड है। अब देखो इसमें क्या देख रहे हो कि एक कार्बन, ये कार्बन को दर्शा रहा है, कार्बन की, तब इनके साथ तीन हाइड्रोजन ओवरलैपिंग किया हुआ है यहां पर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ने के लिए, और यहां पर दूसरा और तीसरा हाइड्रोजन भी इस जगह पे आ रहा है उसके, और इलेक्ट्रॉन्स को मैं इस तरह दिखा रहा हूं। और अब देखो यहां पर कार्बन, देखें तो इस जगह पे सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, और ये भी सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है इस कार्बन से। इस तरह से हमने क्या देखा कि एक कार्बन 4 बार सिग्मा बॉन्ड से जुड़ा हुआ है, हाइब्रिडाइजेशन को इस तरह से शो कर सकते हैं। अब इसका स्ट्रक्चर बना के इसके बारे में बातचीत करते हैं और क्या देख रहे हैं। C2S6 के प्रत्येक कार्बन sp3 हाइब्रिडाइजेशन होता है और इसमें 4 sp3 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनते हैं, चारों अर्धपूरित होते हैं, तीन हाइड्रोजन के साथ और एक कार्बन के साथ जुड़े होते हैं, ठीक है। और इस तरह से इनमें सभी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं और इस कारण से यहां पर 7 सिग्मा बॉन्ड बनते हैं। ओवरलैपिंग को उसी तरह से दर्शा दें, यहां पर 2 कार्बन हैं, एक कार्बन ये, एक कार्बन ये दूसरा, ये कार्बन इनके साथ, ये sp3 कितने ऑर्बिटल बनेंगे, 4, एक हो गया, 2 हो गया, 3, 4, इस तरह से एक यहां पर, मैं कलर चेंज कर देता हूं यहां पे, ये इनके साथ ओवरलैपिंग कर गया और इधर 3 हाइड्रोजन के साथ ओवरलैपिंग के लिए आ रहे हैं। अब इसको यहां पर 4, ये देखो एक हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल, ये दूसरा, ये तीसरा और ये चौथा हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल हो गया इस कार्बन का, और इनके साथ 3 हाइड्रोजन, इसके साथ एक यहां पर, एक यहां पर ओवरलैपिंग करता है। हाइड्रोजन का ऑर्बिटल कैसा होगा, एस ऑर्बिटल है तो गोलाकार होगा, स्फेरिकल होगा, ये कार्बन को दर्शा रहा है। अब देखो दूसरे कार्बन की तरफ चलते हैं, इस कार्बन में भी 4 sp3 ऑर्बिटल्स होंगे, ये sp3 ऑर्बिटल है, एक और यहां पर सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा है, ये भी सिग्मा। अब इस कार्बन के बारे में सोचो कि ये एक sp3 ऑर्बिटल और हो गया और यहां पर फिर एक और, तो ये टोटल 3 हुआ और यहां पर देखेंगे सब मिलाकर के 4, टोटल 4। अब इनके साथ कौन जुड़ेगा, हाइड्रोजन, ये लीजिए एक हाइड्रोजन, यहां से एक हाइड्रोजन और यहां से भी एक हाइड्रोजन और इन जगहों पर भी सिग्मा बॉन्ड। इस प्रकार से ये भी कार्बन है, तो कार्बन कार्बन इस तरह से सिग्मा बॉन्ड से जुड़े हुए हैं और हर एक कार्बन के साथ 3 हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है सिग्मा बॉन्ड से, इधर भी। तो इस तरह का स्ट्रक्चर होगा किसका, C2H6 का, यानी कि CH3 7 सिग्मा बॉन्ड और 0 टाइम पाई बॉन्ड्स, ठीक है। तो
ये होता है हाइब्रिडाइजेशन किसमें, C2H6 में। अब C2H4 को समझें, C2H4 में देखें, C2H4 में संकरण हाइब्रिडाइजेशन, C2H4 में इसको कहते हैं हम एथिलीन ना, इसको कहते हैं एथिलीन या एथीन कहेंगे, एथिलीन कहेंगे जनरल नेम है और एथीन जो है वो IUPAC नेम है। फिलहाल इसमें क्या देख रहे हैं कि कार्बन कार्बन के बारे में बात करते हैं, कार्बन और कार्बन, दो कार्बन, यहाँ पर चार हाइड्रोजन है तो ये इस तरह से दोनों में बराबर दो दो हाइड्रोजन आ गया इस तरह से, और बच गया इसमें दो वैलेंसी, तो दो वैलेंसी दोनों में बचे हुए डबल बॉन्ड से जुड़ गए, ये सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, पाई बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड। यहां पर ये समझेंगे कि पाई बॉन्ड आपने पढ़ा है कि पी ऑर्बिटल साइडवाइज ओवरलैपिंग करते हैं तभी जाकर के पाई बॉन्ड बनता है, ये दोनों आपस में ओवरलैपिंग किया, ये दो ऑर्बिटल आपस में इस तरह से साइड से जुड़ते हैं तब पाई बॉन्ड बनता है। तो यहां पर क्या हुआ होगा, इस कार्बन में एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया होगा। चलो देखें, तो यहां पर हाइब्रिडाइजेशन हमने पहले भी दिखा था कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तो जो भी आप पहले देख रहे थे एक्साइटेड स्टेट में, फिर इसका अंतिम कोश के ऑर्बिटल में सिर्फ sp2 हाइब्रिडाइजेशन हुआ, मतलब एक s और दो p ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लिया, जिससे तीन ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग लेने पर तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनाया, लेकिन एक पी ऑर्बिटल जो हाइब्रिडाइजेशन नहीं करता है वो वैसे के वैसे रह जाता है, यानी कि इसी तरह से साइडवाइज ओवरलैपिंग के लिए रह जाती है। इस कार्बन में देख रहे हो कि दो हाइड्रोजन लगेगा, एक हाइड्रोजन यहां पर, एक हाइड्रोजन इस जगह पर, और ये हाइड्रोजन का ओवरलैपिंग के साथ जो इलेक्ट्रॉन आया वो शेयरिंग कर लिया। अब यहां पर देख रहे हो कि ये कार्बन एक बार सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहा है, एक बार पाई बॉन्ड से जुड़ रहा है, तो ये कोई एक कार्बन है, ये इनके साथ जुड़ेगा और इसके साथ भी जुड़ेगा, तो इसके साथ जुड़ने पर वो सिग्मा बॉन्ड बनाती है और इसके साथ जुड़ने पर पाई बॉन्ड बनाती है, पाई बॉन्ड बनाती है, और यहां पर ये सिग्मा बॉन्ड से और ये पाई बॉन्ड से, तो सारे ऑर्बिटल ओवरलैपिंग कर गया, लेकिन यहां पर साइडवाइज ओवरलैपिंग है, जबकि यहां पर इन तीनों जगहों पर यहां पर सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड, ठीक है। और यहां पर कौन सा ओवरलैपिंग हुआ है, यहां पर ओवरलैपिंग हुआ है sp2, जबकि यहां पर क्या हुआ है sp2 ओवरलैपिंग, और यहां पर हुआ है sp2 पी पाई ओवरलैपिंग। चलिए, उन्हीं बातों को मैंने यहां पर लिखा है, तो आप एक बार देखना चाहें तो देख सकते हैं स्लाइटली, और इसको आप नोट भी कर सकते हैं या स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। C2H4 के प्रत्येक कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन होता है, तीन sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल और एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल मिलता है, दो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से हाइड्रोजन तथा एक अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल से कार्बन जुड़ा होता है, ठीक है, और इस तरह से सभी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होते हैं, परंतु दोनों में असंकृत पी ऑर्बिटल होता है जो कि पार्श्ववर्ती अतिव्यापन करता है, साइडवाइज ओवरलैपिंग करता है, जिससे पाई बॉन्ड बनते हैं। यहां पर देखिए, हमने देखा कि कार्बन कार्बन में इसमें तीन हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे, कौन सा, sp2 सेकेंड, और ये sp2 थर्ड ऑर्बिटल है, तीसरा ऑर्बिटल है। इसमें भी तीन, एक ये यहां पर ओवरलैपिंग कर लिया, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गया, दूसरा और ये तीसरा, ठीक है। फिर देखेंगे कि इनसे एक हाइड्रोजन, दूसरा हाइड्रोजन, तीसरा हाइड्रोजन और ये चौथा हाइड्रोजन जुड़ रहा है, और ये सभी कौन से बॉन्ड से, सिग्मा बॉन्ड से जुड़ रहा है। अब देखो यहां पर इसमें एक पी ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया था, तो वो कैसा होगा, डंबल शेप होगा, आपको पता है ये 2pz ऑर्बिटल, इसका भी 2pz ऑर्बिटल, ये हाइब्रिडाइजेशन भाग नहीं लिया था, तो ये साइडवाइज ओवरलैपिंग करने वाला है, ये इस तरह से, तो इनके बीच में पाई बॉन्ड बनता है, दोनों कार्बन आपस में जुड़ गए हैं, और इस तरह से आप देख रहे हो दो कार्बन के बीच में एक सिग्मा बॉन्ड है, एक पाई बॉन्ड है,
इधर हाइड्रोजन के बीच में सिग्मा और सिग्मा बॉन्ड। तो इस तरह से हमने इस ओवरलैपिंग को या इस हाइब्रिडाइजेशन को हमने इसमें समझाए हैं आपको। ऐसे ही बहुत सारे एग्जांपल और आपको मिल सकते हैं। C2H2 में आप देखो तो, मैं डायरेक्ट यहाँ पर बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ध्यान से सुनिएगा, तो वहाँ पर पूरे डिटेल्स दूंगा। तो अब तो समझ में आ गया क्या डिटेलिंग करना है, कैसे करना है इसको, तो इसी तरह से करेंगे। तो अब ये मान के चलते हैं मैं कार्बन से डायरेक्ट स्टार्ट करता हूँ इन बातों को। देखो कार्बन के अंतिम कोष में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं, एक एस पे उत्तेजित अवस्था में बना रहा हूँ मैं, एक्साइटेड स्टेट में, तो एस में एक और पी में तीन और इलेक्ट्रॉन है। अब इसमें हाइब्रिडाइजेशन क्या होगा, ओनली दो जगहों पर होगा, तो एस पी हाइब्रिडाइजेशन होगा और इससे दो एस पी हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल बनेंगे। थोड़ा सोचिए, अगर आपको इतनी बात समझ में आ गई ऊपर वाली, तो ये भी समझ में आ जाएगा। और ये दो ऑर्बिटल हाइब्रिडाइजेशन में भाग नहीं लिया है, सो ये दोनों पी ऑर्बिटल बचे हुए हैं, पी वाई एंड पी जेड, जबकि ये दोनों कौन सा है, ये एस पी है और ये भी एस पी है, ठीक है। अब आप समझ रहे हो कार्बन कार्बन दोनों हैं, ये एक एस पी और ये दूसरा एस पी, ये एक एस पी इस कार्बन का और ये दूसरा एस पी, दोनों सिग्मा बॉन्ड से जुड़ गए। अब दो ऑर्बिटल बचे हुए हैं आपके पास, एक पी वाई, ये पी ऑर्बिटल है ना, टू पी वाई, और इधर भी टू पी वाई बचा हुआ है, ये दोनों साइडवाइज ओवरलैपिंग कर जाएगा तो पाई बॉन्ड बन जाएंगे। और एक और बचा हुआ है पी जेड, टू पी जेड, ये लो टू पी जेड, ये टू पी जेड बचा हुआ है, ये दोनों भी आपस में पाई बॉन्ड साइडवाइज ओवरलैपिंग करेगा, पाई बॉन्ड से जुड़ेगा, दोनों कार्बन आपस में इस तरह जुड़ गए हैं। अब देखो हाइड्रोजन की बात है, तो हाइड्रोजन इस जगह पर ओवरलैपिंग करती है और ये इस जगह पर ओवरलैपिंग करती है। तो ये सारी चीज़ें आप समझते हैं, समझ गए हैं, और ये है बीएससी में फर्स्ट टॉपिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का हाइब्रिडाइजेशन, और आगे भी हम देखेंगे बॉन्ड पैरामीटर्स वगैरह पढ़ेंगे, तो ये चीज़ है, ठीक है। तो इसमें क्या मिला आपको, एक तीन सिग्मा बॉन्ड, एक यहाँ पर, ठीक है, और दो पाई बॉन्ड मिला साइडवाइज ओवरलैपिंग, और एक दूसरा दो साइडवाइज ओवरलैपिंग से, तो ये हुआ हाइब्रिडाइजेशन। अब कुछ जगहों पर हम देखें कि इसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन होगा। देखो बहुत फास्ट निकाल सकते हो, चार सिग्मा बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें चार सिग्मा बॉन्ड है sp3 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें तीन सिग्मा बॉन्ड है एक पाई है, तो इसमें sp2 हाइब्रिडाइजेशन, इसमें भी sp2 हाइब्रिडाइजेशन, उसी तरह से इसमें sp3 हाइब्रिडाइजेशन होगा। चलो इसमें बताने के लिए आपको इसका स्ट्रक्चर फॉर्मूला एक बार बना के देख लेना चाहिए, अगर तकलीफ हो रही हो तो आप ओपन कर लीजिए ऐसे, इसमें दो इलेक्ट्रॉन पेयर होंगे और इस तरह से यहां पर सिग्मा सिग्मा, तो कितना सिग्मा है, चार, तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन, यहां पर एक पाई तीन सिग्मा sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर एक सिग्मा दो लोन पेयर, तो टोटल हो तीन sp2 हाइब्रिडाइजेशन, यहाँ पर सभी सिग्मा बॉन्ड है दो और दो लोन पेयर है, तो यहाँ पर sp3 हाइब्रिडाइजेशन। बेंजीन, बेंजीन में ये C6H6 है, तो आप जानते हो कि कार्बन इस तरह से सिक्स टाइम होगा और ये सभी सिग्मा बॉन्ड से जुड़े होंगे इस तरह से, और सबसे एक एक हाइड्रोजन जुड़ा होगा। और अब देखो कार्बन की तीन वैलेंसी तो पूरा हो पाया है, एक वैलेंसी बच गया है, तो ये इनसे या इनसे किसी एक से इस तरह से डबल बॉन्ड बनाती है। मैं इधर से कर देता हूं, इसमें इस तरफ से करा गया है, एक ही मतलब है, इसलिए दोबारा दूसरे में बताया। यहां पर आप देख रहे हो कि तीन सिग्मा है, 1 2 3 और एक पाई है, मतलब यहां पर तीन ऑर्बिटल है जो तीन बॉन्ड है जो सिग्मा है, तो यहाँ पर हाइब्रिडाइजेशन हुआ sp2, सभी कार्बन पर sp2 हाइब्रिडाइजेशन है बेंजीन में। अब हम देखेंगे हम नेक्स्ट क्लास में क्या करने वाले हैं वो देख लेते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम करने वाले हैं बॉन्ड पैरामीटर्स पढ़ने वाले हैं, जिसमें हम लोग देखेंगे बॉन्ड लेंथ,
बॉन्ड एंगल, बॉन्ड एनर्जी, और पढ़ने वाले हैं आगे की क्लास में इलेक्ट्रॉनिक डिस्प्लेसमेंट। आपने आज की क्लास में क्या देखें वो ज़रा एक बार रिमाइंड कर लेते हैं। आपने देखा कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बीएससी फर्स्ट ईयर का है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में कौन कौन सा टॉपिक है वो हमने यहाँ पर बताए हैं। और अगर जिन बच्चों को तकलीफ़ हो रही है यहाँ पर आज की क्लास में, तो उनके लिए मैंने कहा है कि 11th की क्लास आप ज़रूर देख लें। कौन सा चैप्टर? क्लास 11th का चैप्टर नंबर 12, सम बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, रसायन विज्ञान की मूलभूत अवधारणाएँ, वो बहुत ज़रूरी है आपको इस बीएससी में स्थापित होने के लिए। हम ये जानते हैं कि कौन कौन से टॉपिक हैं हमारे पास, हाइब्रिडाइजेशन, शेप्स ऑफ मॉलिक्यूल्स, इसके बारे में बातचीत करने वाले हैं। तो अगला क्लास जो होने वाला है, मैंने बताया क्या होगा, और हमने हाइब्रिडाइजेशन क्या होता है वो मैंने आपको बताया। हाइब्रिडाइजेशन यानी किसी परमाणु के अंतिम कोश के इलेक्ट्रॉन आपस में मिल करके नए कक्षकों का निर्माण करते हैं, किसी परमाणु के, एक ही परमाणु के अंदर की बात हो रही है, दो अलग अलग परमाणु की बात नहीं चल रही है। तो हाइब्रिडाइजेशन क्या होते हैं, कैसे इसको कैलकुलेट किया जाता है, उसके नियम क्या है, कैसे कैलकुलेट करना है, ये आपको बातें हुई है। और आज की क्लास आपको कैसी लगी, और इस टाइप से अगर आप पढ़ना चाहेंगे बीएससी में तो मैं काफ़ी कोर्स आपको पूरा करा सकता हूँ, आप लोग बताएं मुझे कमेंट बॉक्स में, ज़रूर बताएं। तो आज की क्लास यहीं पे समाप्त करते हैं, नमस्कार।